भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमर वाणी। बचपन से सुनते आए हैं, किसी का बुरा मत करो, बुराई से दूर रहो, पर बड़े होने के बाद ये सीख भूल जाती है। सच के रास्ते से कब झूठ की तरफ मुड़ गए, नेकी के रास्ते से कहाँ भटक गए, जीवन के रास्ते पर कभी प्रलोभन मन को डिगा देते हैं, तो कभी संघर्ष मन को थका देते हैं। शांति के लिए अहिंसा और करुणा का मार्ग है, हिंसा तो केवल हिंसा बढ़ाती है। यदि शांतिप्रिय विकासशील समाज चाहिए तो स्वयं में दया और अहिंसा का दृष्टिकोण रखें। आज के अमरवाणी खंड में सुनिए अहिंसा और दया। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेंकटेश। नमस्कार पुंडरिक, आओ बैठो। वो देखो श्री कृष्ण जी की भव्य मूर्ति। अरे हाँ, अद्भुत और बहुत सुंदर। What a magnificent statue! It's breathtaking depiction of lifting of Govardhan Hill. कितना मनोरम दृश्य है। आज हम गोवर्धन आए हैं और इस भव्य मूर्ति को देख रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया है। इसके बारे में एक श्लोक है, गोवर्धन धराधार गोकुलत्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रभो भव। जिस तरह श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था, हम सब यह प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण हमारी भी रक्षा करें। गॉड इंद्र कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड रेन्स एंड द सिटी फोक वर टेरिफाइड, सो दे अपील टू लॉर्ड कृष्ण टू सेव देम। लॉर्ड कृष्ण लिफ्टेड द गोवर्धन माउंटेन एज एन अम्ब्रेला, thus he saved his people. इस सुंदर नगर में तुमने क्या क्या देखा? सर, हमने गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा करी। सर, हमने गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा करी, मुझे बहुत आनंद आया। What did you enjoy, Venkatesh? Sir, I enjoyed the parikarma as well as the bath in Mansi Ganga. It was amazing to watch the devotion of old people as well as young, also handicapped, who were doing the parikarma. This was very motivating. But in one family, the mother was having difficulty in walking and the son was also too small. Father was telling them to hurry up. He was hitting the son and also his wife. He was threatening to leave them there. It was very sad. लोगों ने बीच बचाव तो किया, पर वो दोनों माँ जी और बेटे रोते ही रहे। उनका दुख देख हम सब भी दुखी हो गए। यह तो होता ही है, एक का दुख देखकर बाकी भी दुखी हो जाते हैं। एक तो वैसे ही चलने में तकलीफ और फिर लड़ाई भी हो जाए तो वेदना बढ़ जाती है। वैसे घरेलू हिंसा अपराध है, मारपीट करनी ही नहीं चाहिए। सर, आई ऑल्सो थिंक द फादर शुड हैव बीन मोर टॉलरेंट, बट ही वाज सो वायलेंट, सो एंग्री। वायलेंस इज टू बी शंड ऑलवेज। सी, that dog is crying because some child has hit him. Sir, dogs threaten and people feel threatened. This is just retaliation. The deciding factor is whether we are defending ourselves or using violence to intimidate or hurt another animal or person. अपने बचाव के लिए शस्त्र उठाना तो सही भी है, परंतु निर्दोष प्राणियों और व्यक्तियों को सताना तो कहीं से भी उचित नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम दयालु परमात्मा से दया मांगते हैं, तो हम भी सभी प्राणियों के प्रति दया के भाव को रखें। इसके विषय में अब एक मंत्र को लिखते हैं, अपनी कॉपी निकालिए। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का चौथा मंत्र है, अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि परिभूरसि स स इद्देवेषु इद्देवेषु गच्छति गच्छति अग्नेयम् यज्ञम् अग्नेयम् यज्ञम् अध्वरम् विश्वतः अध्वरम् विश्वतः परिभूरसि परिभूरसि स इद्देवेषु
स इद्देवेषु गच्छते गच्छति अग्नेयं यज्ञम् अध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। हे अग्ने, हे परमेश्वर, आप सर्वत्र व्यापक होकर जिस अध्वरम अर्थात जिस यज्ञ में हिंसा नहीं होती, हिंसा रहित ज्ञान रूपी यज्ञ को रक्षित करते हैं, वे उसी यज्ञ के द्वारा संसार में सभी लोग सुख को प्राप्त करते हैं। इसका भावार्थ यह हुआ कि परमेश्वर निरंतर उस यज्ञ की रक्षा करते हैं जिस यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, और उस ज्ञान के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा, उस विद्या के द्वारा संपूर्ण संसार उत्तम लाभ को प्राप्त करता है। ओ अग्नि, दैट यज्ञ एश्योर्डली रीचेस गॉड्स विच यू सराउंड एंड प्रोटेक्ट। ऋग्वेद के 164वें सूक्त का 26वां मंत्र है, हिंक्रिन्वती वसुपत्नी वसूनाम वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहाम अश्विभ्याम पयो अग्नेयम् सावर्धताम् महते सौभगाय। हिंक्रिण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहामश्वेभ्यां पयोग्नेयम् सावर्धताम् महते सौभगाय। हिंक्रिण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागात दुहामश्वेभ्यां पयोऽध्येयम् सावर्धताम् महते सौभागाय। इसके शब्दों का अर्थ यह है कि हिंक्रिण्वती हिंकारती हुई मनसा मन से वत्सम बछड़े को इच्छन्ति चाहती हुई इयम यह अग्न्या जिसको मारा नहीं जा सकता ऐसी गाय दूर से आ जाती है अश्विभ्याम सूर्य और वायु से पयह जल व दूध को दुहाम दुहते हुए पदार्थों में वर्तमान पृथ्वी है। सो वह वसुनाम अग्नि आदि वसुसंजकों में वसुपत्नी वसुओं की पालन करने वाली महते अत्यंत सौभगाय सुंदर ऐश्वर्य के लिए वर्धताम बढ़े उन्नति को प्राप्त हो। इसका भावार्थ यह हुआ कि पृथ्वी जो है वो महान ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है, सभी प्रकार के सुखों को देने वाली यह गाय रूपी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को मनुष्य को प्रदान कराती है। और जिस प्रकार से गाय अवध्य है अर्थात उन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस पृथ्वी पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। As Mother Earth is bountiful, likewise cows provide us with milk and give us much happiness, so none should harm the benign cows and this Mother Earth. अगला मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणम् बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। यन्मे छिद्रम् चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिणम् बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। यन्मे छिद्रम् चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिणम् बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु
भुवनस्य यस्पतिः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, यत जो मेरे चक्षुषः नेत्र की अर्थात दृष्टि की, हृदयस्य अंतःकरण की छिद्रम न्यूनता है, मनसः मन की व्याकुलता है, तत् उसको बृहस्पति आकाश इत्यादि के पालक परमेश्वर पुष्ट करे, परिपूर्ण करे। जो भुवनस्य इस संसार के पति ही रक्षक हैं, वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी मनुष्यों को चाहिए कि अहिंसा धर्म को स्वीकार करें और जितेंद्रियता से अहिंसा का परिपालन करते रहें। अपनी दृष्टि में और मन में जो भी व्याकुलताएं हैं, जो न्यूनताएं हैं, उनको दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पीपल शुड टेक द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। काइंडनेस एंड नॉन वायलेंस इज द वे टू अपीज गॉड। प्रभु श्री कृष्ण ने भी सभी प्राणियों की रक्षा करके दया का संदेश दिया था। इसीलिए दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें घर के पालतू पशुओं की पूजा करी जाती है। यह तो सही कहा, पालतू पशु भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं। I get it now, sir. When we are praying for benevolence from Lord, we must maintain kindness and generosity in our behavior. That's true. We should exercise peaceful ways to resolve our inner turmoils and challenges in our family or society. Violence only begets more violence. Hinsa aur adhik hinsa badhati hai. Apne mein, parivar ya samaj mein sthayi badlav ke liye aur shanti badhane ke liye milkar ke samadhan khojna chahiye aur avashyakta ho to pratirodh bhi karna chahiye. Hinsa to apni raksha ke liye karni chahiye, अन्यथा कभी भी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल लेसन। प्रणाम सर। आयुष्मान भव। अग्रेयं यज्ञमस्वरं विश्वतः परिभूरसि सयित् देवेषु गच्छति। इन्द्रन्वदेव सुपत्येवदो नाम वत्समिच्छन्ति मनसाभ्यागादे गृहामश्चाम् पया अग्नेयम् सावर्धताम् महते सौभगाय। जन्मे छिद्रं चक्षुः हृदयस्य मनसो वातित्रिन्नं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम अहिंसा और दया। कंपेयर थी अनुराधा चतुर्वेदी, लेखिका रागिनी कुमारी, शिक्षक निक्षित शास्त्री, प्रतिभागी विद्यार्थी गुंतीज सिंह आनंद और सहज खट्टर, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे योगेश्वर सिंह सुनेर। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.government.in। तब तक के लिए नमस्कार।